सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसे वेजेस के बारे में बताऊंगा जिसे आप ग्रीन फूड भी कह सकते हैं बर्ड्स के लिए। तो इसे खाने से आपके बर्ड्स को क्या फ़ायदा होगा, इससे आपके बर्ड्स के हेल्थ पर क्या असर होगा, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ज़रूर से वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आता है फेन्योग्रीक यानी मेथी। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है आपके बर्ड्स के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, कैल्शियम और विटामिन काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए। तो इसको आपको हफ्ते में एक बार अपने बर्ड्स को ज़रूर से देना होगा। आपके बर्ड्स के डाइट प्लान में आपको इसे ज़रूर से ऐड करना होगा। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप अपने बर्ड्स को ज़रूर से हफ्ते में एक बार मेथी ज़रूर से देना। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है कोरिएंडर यानी धनिया। तो ये आप में से कई लोग अपने बर्ड्स को देते होंगे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फैट पाया जाता है और काफ़ी विटामिन्स भी पाए जाते हैं और इसमें कैल्शियम भी थोड़ी मात्रा में होता है। तो ये आपको अपने बर्ड्स को सिर्फ हफ्ते में एक बार देना है, क्योंकि इसमें फैट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये इससे आपके बर्ड्स पर फैट चढ़ सकता है, जिससे आपके बर्ड्स अंडे देना बंद कर देंगे। तो इसे सिर्फ आपको एक बार हफ्ते में देना है और काफ़ी अच्छे से खाते हैं बर्ड्स, तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो ज़रूर से हफ्ते में एक बार आपको देना है। तो दोस्तों, थर्ड नंबर पर आता है स्पिनिच। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ए पाया जाता है। और आपको पता ही होगा, अभी सर्दियाँ चल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि सर्दियों में इसे देना आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो इससे आपके बर्ड्स का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो आपको अपने बर्ड्स को हफ्ते में दो बार इसे सर्दियों में देना है, और जब गर्मी आते हैं तो इसे देना बंद कर देना है आपको। तो ज़रूर से आप अपने बर्ड्स के डाइट प्लान में इसे ऐड कर देना। तो दोस्तों, लास्ट और फोर्थ नंबर पर मैंने मिंट को रखा है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके बर्ड्स के लिए, हेल्दी रहता है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है। और आपको पता ही होगा, कैल्शियम आपके बर्ड्स के एग्स को जो मजबूत बनाता है, तो कैल्शियम काफ़ी ज़रूरी होता है आपके बर्ड्स के लिए। तो इसे भी आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार देना है और थोड़े कम क्वांटिटी में देना है। तो दोस्तों, कैरेट एक अभी बोनस वेजी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और अभी सीज़न चल रहा है कैरेट्स का। तो आपको अपने बर्ड्स को हफ्ते में दो बार इसे ज़रूर से देना है, जिससे आपके बर्ड्स की जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये चारों वेजीज़ आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और इसमें जो विटामिन्स और कैल्शियम पाए जाते हैं वो नेचुरली आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। नेचुरल कैल्शियम और विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि सीड्स से आपके बर्ड्स के लिए कभी भी पूरी नहीं होंगे। सीड्स में कोई भी कैल्शियम और विटामिन्स ज़्यादा पाए नहीं जाते। तो आपके बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए आपको हफ्ते में एक से दो बार ये सारे वेजेस देने होंगे। टाइम टू टाइम आपको देना होगा, टाइम टेबल आप बना सकते हैं और आपके बर्ड्स को आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, जो आपने टॉपिक सजेस्ट किए थे उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना। एम करते हैं सिर्फ 20 लाइक्स का, तो ज़रूर से लाइक एम पूरा कर देना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।